में तो काफी सीटें कांग्रेस जीत रही है, जी को लगना चाहिए या भजनलाल जी को लगना चाहिए या बीजेपी को लगना चाहिए? मेरे को तो ये लग रहा है, जो मैं पूरी तरह के आश्वस्त हूँ कि किरोड़ी लाल मीणा जो कह देता है वो थूक के नहीं चाटता है, इसलिए वो पक्का इस्तीफा देगा और वापिस भी नहीं लेगा, ये मैं जितना जानता हूँ। फिर वो उनकी मर्जी है, उनकी पार्टी की मर्जी, मैं उस झगड़े में क्यों पड़ूं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किरोड़ी लाल जो मीणा जो कहते हैं वो करते हैं, पांच सौ तो देंगे। ऐसे तो देता है ना वो भी, कोई ऐसे थोड़ी है। बार बार कह रहे हैं, उन्होंने बाद में भी मीडिया वाइट में कहा है कि मैं जो बोल दिया तो बोल दिया, अभी भी मैं बोल दिया, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जितना जानता हूँ वो बात के धनी है, उन्होंने कह दिया मैं इस्तीफा दूंगा और वापस भी नहीं लूंगा, ये भी बोला। सर इसका मतलब ईवीएम सही कर रहा है क्या? सही बात है ये तो। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? सर नहीं, विपक्षी दल ये बोल रहे थे कि ईवीएम से नहीं, वॉलेट पेपर से, जहाँ से हमारे पास सूचनाएं आएंगी हमने लठ लेके गुवाड़ी करी है ईवीएम की, ऐसे थोड़ी है कोई। हमने पहरेदार भेजे हैं, छोड़े हैं, और पूरा चुनाव आयोग को छका के रखा है कि ये सही करिए, ये सही करिए, पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती करिए, तो हम सजग रहे हमारी पार्टियां। डोटासरा जी, इस बार जो लोकसभा में कांग्रेस को वोट कर रही है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जिन राज्यों में बीजेपी दावे कर रही थी कि राजस्थान में हैट्रिक बनाएंगे हम 25 की, उत्तर प्रदेश सब जगह जो है कहीं ना कहीं लोगों ने नजर आया, मतलब उनको पूछो क्या हुआ, मोरिया के हैं बोले क्या मान तो आप कौन सी 12-13 मोरिया के हैं बोले धागा पूछो का आशीर्वाद है। जनता ने मन बना लिया कि ये बीजेपी झूठों की पार्टी है, जुमले देती है, ये झूठ बोलते हैं, हम बहकाव में आ गए विधानसभा चुनाव में और हमने बड़ी गलती कर ली, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट दे करके बहुमत से यहाँ से लोकसभा में भेजेंगे। देश भर में जो रुझान आए हैं, इन रुझानों को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है देश में।